दोस्तों कहा जाता है कि कदमों से कदम सजाकर रास्ता तलाश कर, मिल जाए तुझे दरिया तो समंदर तलाश कर। अपनी शिक्षा और परीक्षा के बाद एक बेहतर सफलता पाकर जब कोई सरकारी सेवक बनता है, फिर भी उसकी इच्छा होती है कि वह अपनी शिक्षा को आगे जारी रखे ताकि उसे इससे बड़ा अचीवमेंट प्राप्त हो। अपनी इस उपलब्धि को हासिल करने के लिए वह सेवा में आने के बाद भी नामांकन और परीक्षा जैसी क्रियाओं से गुजरते हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि उसका डिग्री एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको यह बतलाएंगे कि सरकारी सेवा में आने के बाद नामांकन और परीक्षा हेतु अनुमति कैसे प्राप्त करें। आप इस वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक देखें, हम आपको अनुमति प्रपत्र का ब्लैंक फॉर्मेट भी उपलब्ध कराएंगे, साथ ही साथ इसमें कहाँ क्या भरना है सब कुछ समझाएंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। शिक्षक और शिक्षा से जुड़ी हुई हर विशेष सूचनाओं के लिए हमारे YouTube चैनल टीचर रहमत को जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट www.teacherrahmat.com को विजिट करें और आने वाले पुश नोटिफिकेशन को अलाउ करें। यहाँ आप डिपार्टमेंटल लेटर, टीचर नियोजन, नियोजित टीचर संबंधी ज्ञानवर्धक जानकारी पाने के साथ साथ बोर्ड और प्रतियोगी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी पाएंगे। आप सभी परीक्षाओं के PDF नोट्स, क्विज, मॉक टेस्ट आदि भी प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको यह बतला दूं कि इस वीडियो में दी गई सूचनाएं बिल्कुल ऑथराइज है। हमने इसे सबसे पहले अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट किया है और अपने अनुभव को ही इस वीडियो में साझा किया है। एक सरकारी शिक्षक होने के नाते मैंने अपने MA परीक्षा के लिए अपने नियोजन इकाई से अनुमति लिया था। सरकारी सेवा में आने के बाद आप अपनी पढ़ाई विभाग के अनुमति के बिना नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी परीक्षा में सम्मिलित हो रहे हैं, फिर भी आपको विभाग को सूचित करना अनिवार्य होगा। यहाँ तक के बहुत सारे परीक्षाओं के फॉर्म भरते समय, नामांकन के फॉर्म भरते समय एक ऑप्शन आपने देखा होगा, लिखा रहता है कि आप सरकारी सेवक है हाँ या नहीं, वहाँ भी आपको सूचित करना अनिवार्य होता है। से देखा जाए तो शिक्षा दो तरह से प्राप्त की जाती है। पहला होता है रेगुलर मोड, जिसे फेस टू फेस मोड भी कहते हैं। इसमें प्रतिदिन क्लास करना अनिवार्य होता है और अधिकांशतः 75% उपस्थिति मांगा जाता है। जबकि दूसरा होता है दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। डिस्टेंस एजुकेशन के लिए क्लास करने की कोई आवश्यकता नहीं होती है, संस्थान द्वारा किताब उपलब्ध कराए जाते हैं जिसे आप घर बैठे अध्ययन करते हैं, केवल परीक्षा देना होता है। इसीलिए सरकारी सेवकों के लिए दूरस्थ शिक्षा शिक्षा ग्रहण करने का एक बेहतर विकल्प माना जाता है। वैसे नियमावली के अनुसार शिक्षकों को और दूसरे कर्मचारियों को अध्ययन अवकाश भी दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए शर्त है यह अधिकतम 3 वर्ष के लिए ही मिलेगा और अवैतनिक होगा, यानी इस अवधि में आपको कोई वेतन नहीं दिया जाएगा। साथ ही साथ इस अवकाश की अवधि में आपको सेवा में नहीं माना जाएगा, यानी अध्ययन अवकाश आपके सेवा में एक टूट ला देगा। आपको जो सालाना इंक्रीमेंट मिल रहे थे वो रुक जाएंगे। इसके अलावा भी शर्त है, आपको अध्ययन अवकाश 3 वर्ष की सेवा के बाद ही दिया जाएगा। साथ ही साथ इस अध्ययन अवकाश उपभोग करने के उपरांत आपको एक नियत अवधि तक कार्य करना आवश्यक होगा। कहने का अर्थ ये हुआ, अध्ययन अवकाश से पूर्व विभाग आपसे एक एग्रीमेंट भी लेगा कि उच्च योग्यता ग्रहण करने के बाद आप इतने दिनों तक हमारे इस विभाग में कार्य करेंगे। लेकिन मैं आपको यह बतला दूं कि डिस्टेंस एजुकेशन से जो आप शिक्षा ग्रहण करेंगे, अपने विभाग के अनुमति के उपरांत यह अध्ययन अवकाश में काउंट नहीं होगा। इस पीरियड में आपकी सेवा में टूट नहीं माना जाएगा, आपका इंक्रीमेंट आपको मिलता रहेगा और आप परीक्षा देंगे अपने निजी आकस्मिक अवकाश में। जो आकस्मिक अवकाश आपको दिए जाते हैं, इसी का इस्तेमाल आप परीक्षा के दौरान करेंगे। लेकिन इस अनुमति के भी कुछ शर्त होते हैं जिसे जानना आपको जरूरी है। सबसे पहला शर्त है, शिक्षक को विधिवत अवकाश
स्वीकृति उपरांत परीक्षा में शामिल होना पड़ेगा। यानी आप अपने परीक्षा की सूचना अपने विद्यालय को अपने विभाग को पूर्व में देंगे। स्वीकृत होने के बाद ही आपको परीक्षा में शामिल होने दिया जाएगा। अगर कोई विषम परिस्थिति आती है तो आपको परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन ध्यान रहे कि डिस्टेंस एजुकेशन में ये फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि आप फर्स्ट ईयर का एग्जाम सेकंड ईयर में भी दे सकते हैं। इसीलिए विषम परिस्थिति में अगर स्वीकृति नहीं भी मिलती है तो आप अपनी परीक्षा अगले वर्ष दे देंगे। यह विषम परिस्थिति क्या हो सकता है? उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में दो शिक्षक हैं, एक पहले से कहीं और डिप्टेशन में है, आप अकेले हैं, आप अपनी परीक्षा के नाम पर विद्यालय बंद नहीं कर सकते। यही था विषम परिस्थिति। दूसरा जो शर्त है इस अनुमति का वह है कि बढ़ाई गई योग्यता के अनुरूप वेतन का दावा नियमानुसार किया जाएगा। अगर आप प्राथमिक शिक्षक हैं, इंटरमीडिएट के आधार पर आपकी भर्ती हुई है, अगर आप स्नातक का शिक्षा पूरी करते हैं तो आपको नियमानुसार ही स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति दिया जाएगा। तीसरा जो शर्त है स्वतंत्र छात्र के रूप में परीक्षा में शामिल होना होगा। यानी आपको परीक्षा में शामिल होने से पूर्व आकस्मिक अवकाश लेना होगा और परीक्षा के लिए आपको आपका विभाग बाध्य नहीं करेगा बल्कि आप स्वतंत्र रहेंगे। आप चाहे तो परीक्षा दें चाहे न दें, विभाग को आपसे कोई मतलब नहीं रहेगा। आपको संबंधी खर्चा स्वयं उठाना होगा। इस पर खर्च होने वाला अवकाश भी आपको खुद अदा करना होगा। अब हम बात करेंगे कि आपको अनुमति कौन देगा। उच्च योग्यता प्राप्त करने हेतु अनुमति आपका विभाग या नियोजन इकाई आपको देता है। अधिकांशतः यह विभाग वही होता है जिसने आपको नियुक्ति पत्र सौंपा है। अगर हम नियोजित शिक्षकों की बात करें तो यह अनुमति प्रखंड नियोजन इकाई, पंचायत नियोजन इकाई या किसी अन्य नियोजन इकाई के सचिव द्वारा एक खास प्रपत्र पर दिया जाता है। इस प्रपत्र को अभी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह एक ब्लैंक फॉर्मेट है जो हमने शिक्षा विभाग के शिक्षकों के लिए तैयार किया है। अगर आप किसी अन्य विभाग में कार्यरत हैं तो इसमें थोड़ा संशोधन करके आप अपना प्रपत्र तैयार कर सकते हैं। इस प्रपत्र के साथ आपको अपने नियोजन इकाई के नाम एक एप्लीकेशन लगाना भी आवश्यक होगा। आप उस एप्लीकेशन को अपने विद्यालय के प्रधानाध्यापक से फॉरवर्ड करवा लेंगे। वह एप्लीकेशन सादे पेपर पर भी लिखा जा सकता है। इस ब्लैंक फॉर्मेट में सबसे ऊपर में नियोजन इकाई का नाम लिखा जाएगा। इसके बाद बारी आती है आपके विद्यालय का नाम। आप जिस विद्यालय में कार्यरत हैं वह यहाँ अंकित करेंगे। उसके बाद प्रखंड का नाम लिखकर कार्यरत शिक्षक अपना नाम लिखेंगे। से प्राप्त अभ्यावेतन एवं उस पर संबंधित प्रधानाध्यापक की अनुशंसा के आलोक में उच्चतर योग्यता प्राप्त करने हेतु निम्न शर्त पर अनुमति दी जाती है। एक अनुपति प्रपत्र में आप एक से अधिक शिक्षकों का भी अनुमति ले सकते हैं। कर्म संख्या के बाद शिक्षक का नाम और विद्यालय का नाम अंकित करना है। आप अनुमति नामांकन के लिए ले रहे हैं या परीक्षा के लिए, किस कोर्स में नामांकन के लिए ले रहे हैं या कौन सी परीक्षा के लिए ले रहे हैं उसका नाम अंकित करना होगा। उसके बाद सत्र अंकित करना है, आपके नामांकन और परीक्षा का सत्र क्या है। इसके बाद आप जिस विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय में नामांकन ले रहे हैं या परीक्षा दे रहे हैं उसका नाम अंकित करना होगा। इस प्रपत्र में आपके नियोजन इकाई के सचिव अपना हस्ताक्षर करेंगे और मुहर लगाएंगे। इसके बाद नियोजन इकाई का पूरा नाम और प्रखंड का नाम, जिला का नाम लिखेंगे। और इस प्रपत्र में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ज्ञापांक दिनांक। ये खाली नहीं होना चाहिए। आप एक बार मिलान कर लेंगे ज्ञापांक और दिनांक नियोजन इकाई के सचिव द्वारा अंकित किया गया है या नहीं। मैं आपको यह बतला दूं कि इस प्रपत्र का आप कम से कम दो प्रति लेकर जाएंगे, जिसमें एक प्रति नियोजन इकाई के सचिव अपने पास रख लेंगे जो नियोजन इकाई कार्यालय में सुरक्षित रहता है, और एक प्रति आपको सौंप दिया जाएगा जो आपका अनुमति पत्र कहलाएगा। इस अनुमति पत्र का एक छाया प्रति संबंधित प्रधानाध्यापक को आप सौंप देंगे और ओरिजिनल अपने पास रखेंगे। दोस्तों ये ब्लैंक फॉर्मेट है जिसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड करके अपना अनुमति पत्र तैयार कर सकते हैं। अगर आप शिक्षा विभाग के
अतिरिक्त किसी अन्य विभाग में उपयोग करना चाहते हैं तो आप इसमें आंशिक संशोधन कर सकते हैं। आप अपना अनुमति पत्र कंप्यूटराइज्ड हमसे एडिटिंग भी करवा सकते हैं। आप हमारे संपर्क सूत्र 7631314948 पर संपर्क करें। आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द एक अमेजिंग अपडेट और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ।